देखिए, कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन जहाँ तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छींटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुरके को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। और इंदर सिंह परमार जी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 3 दिन हाउस में मैं नहीं जा पाया था, और जिस दिन मैं आया उस दिन हाउस एडजर्न हो गया, तो मुझे वो किताब अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से उन्होंने किताब दी है संविधान की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29-30 का क्या हुआ? एक तरफ आप विधानसभा में संविधान बांटकर बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये वाली बात कर रहे हैं, दोनों गलत है। इसको कभी भी मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब संविधान बदलने चले थे तो लोकसभा का क्या हालत हुई, और अब दोबारा चलेंगे तो मध्य प्रदेश क्या होगा पता चल जाएगा। तो बिल्कुल, लड़कियों के ऊपर हिजाब में बुराई क्या है? अगर लड़कियां अपना खुद से कवर्ड करके जाती हैं, उनको ऑप्शनल रखना चाहिए। अगर वो लड़कियां रखना चाहती हैं तो रखें, ना रखना चाहती कोई दिक्कत, प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए।